खबर रीवा जिले के सिमरिया से है, जहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब जहां चाहे बेधड़क वारदात को अंजाम दे दे और पुलिस देखती ही रह जाती है। और पुलिस की आंख में पट्टी तब और बंध जाती है जब वारदात के सारे साक्ष्य सबूत एक साथ होते हैं और अपराधियों को पकड़ नहीं पाती। यह हाल पहले भी था और आज भी यही स्थित है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी रहता है लेकिन पुलिस की आंख में पट्टी बंधी रहती है। सेना के जवान देश के लिए रक्षा करते हैं, आम जनता की रक्षा करते हैं, सरहद में तैनात रहते हैं, तब हम और आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जब इन्हीं सेना के जवान के परिवार और घर सुरक्षित ना हो तो पुलिस की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े होते हैं। दरअसल फरियादी अल्पना जायसवाल पति गुरु प्रसाद जायसवाल उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम गहिलवार थाना सेवरिया जो कि हाल पता बकिया तिराहे के पास कुशवाहा कॉम्प्लेक्स कस्बा में सेवरिया थाना सेवरिया जिला रीवा में रहती है। जिन्होंने बताया कि सेवरिया में किराए का मकान लेकर अकेली रहती हूँ, उसी में अल्पना ब्यूटी पार्लर के नाम से ब्यूटी पार्लर भी चलाती हूँ तथा मेरे पति आर्मी में है जो कि दिनांक 23/12/2023 को मैं खाना पीना खाकर सोई हुई थी कि उसी समय करीब 11 बजे रात घर के बाहर एक व्यक्ति मुझे अमर्यादित गाली गलौज दे रहा था, जो कि गाली गलौज करने वाले द्वारा कहा जा रहा था कि हम शिवम शिव ठाकुर है, दरवाजा खोलो नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। पीड़िता ने बताया कि मैं अपने घर के अंदर ही थी कि तभी कुछ टूटने फूटने की आवाज सुनाई दी, फिर शिवम सिंह वहां से चला गया। तब सुबह उठकर दुकान खोली और देखी तो मेरे दुकान के बाहर बालकनी में गमला बैनर तथा एसी का बक्सा टूटा हुआ नीचे पड़ा था। पीड़ित महिला द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, साथ ही वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी है। अब देखना होगा कि सेना के जवान की पत्नी की फरियाद पुलिस कितनी सुनती है, पुलिस पुरानी कार प्रणाली को दोहराती है या फिर अपराधी तक पहुंच पाती है। Gracias.